हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बताना चाहूंगा मार्केट में जो स्टॉक अपॉर्चुनिटी मिलता है उसी स्टॉक अपॉर्चुनिटी का पूरा डिटेल्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। और इस तरह का अगर अपॉर्चुनिटी आपको हर रोज पाना है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का स्टॉक का। सो फ्रेंड, इसका मार्केट कैप का अगर बात किया जाए तो 69.5 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर करंट प्राइस का बात किया जाए तो 10.6 रुपीस का करंट प्राइस है। वन ईयर हाई एंड लो का बात करें 16.5 जो है वन ईयर हाई है एंड 4.92 रुपीस जो है वन ईयर लो देखने को मिला है। स्टॉक पी है 7.48 है स्टॉक पी है। अगर बुक वैल्यू का बात करें 16.3 रुपीस जो है बुक वैल्यू है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। आरओसी का बात करें तो 5.03%, आरओई का बात करें 1.37%। साथ ही साथ फेस वैल्यू जो है 2 रुपीस है। कंपनी में कर्जा है 24.3 करोड़ का जो है कर्जा है। प्रमोटर होल्डिंग 59.8%, कंपनी में रिजर्व है 93.6 करोड़। अगर वन ईयर रिटर्न का बात करें तो 82%, सिक्स मंथ का जो है 70.7% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 6.53 आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर इस कंपनी का ओवरव्यू का बात करें तो ये जो कंपनी है आपका कर्जा में बहुत हाई फाई कर्जा है। यहाँ पर 64 करोड़ का यहाँ पर कर्जा है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है और कंपनी में रिजर्व जो है पॉजिटिव में है। साथ ही साथ आरओसीई एंड आरओई जो है दोनों पॉजिटिव में दे रहा है। सबसे बड़ा बात है यहाँ पर बुक वैल्यू देखिए कंपनी का, 16 रुपये का ऊपर जो है बुक वैल्यू है एंड फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। समझ ले मेरे बात को, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 16 रुपये के ऊपर है। तो इस तरह का कंपनी में जरूर आपको जो है फोकस करना चाहिए। आप इसको जो है अपना वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिए। इस तरह का कंपनी जो है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बुलिश होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिटर्न का डिटेल्स में। सो फ्रेंड, रिटर्न का अगर बात करें तो कंपनी जो है लगातार 10 साल से तो अच्छा खासा रिटर्न दिया था, थ्री ईयर में जो है ये माइनस में दिया रिटर्न। उसके बाद 2 साल से अच्छा खासा रिटर्न दिया है, फिर अभी जो है ये माइनस में जा रहा है। और अभी सिर्फ ये कंपनी का नहीं, ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो नेगेटिव में जा रहा है। तो एक महीना से, तीन महीना से ये नेगेटिव आपको साइन दे रहा है। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं ईयर ओवर ईयर का। तो ईयर ओवर ईयर में यहाँ पर 2020 में यहाँ पर इसका नेट सेल हुआ था 12 करोड़ का ऊपर, 2021 में नेट सेल हुआ 54 करोड़ के ऊपर। तो इसका एक पॉजिटिव साइन निकल के आता 348.5%। अगर अदर इनकम का बात करें तो देखिए 2020 में माइनस नेगेटिव में था, कितना, 5 करोड़ के ऊपर, एंड यहाँ पर 2021 में जो है पॉजिटिव में आया 2.66। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझिए। यहाँ पर 5 करोड़ जो है, पहले तो इसको ये 5 करोड़ कवर करना पड़ा जो माइनस में है, इसको पॉजिटिव में लाना पड़ा, फिर ये वाला रिजल्ट आया। तो अगर आप टोटल बात करें तो कम से कम यहाँ पर 8 करोड़ का जो है नेट सेल गया था 2021 में, लेकिन इसका कवर करने के चक्कर में इसका नेट सेल अभी कम है, लेकिन अच्छा खासा इसका परसेंटेज आया है 149%। साथ ही साथ अगर इसका नेट प्रॉफिट का बात करें, 2020 में नेगेटिव में था, 2021 में पॉजिटिव में है। 2020 में बहुत अच्छा खासा नेगेटिव में था, 7 करोड़ के ऊपर, लेकिन 2020 में एटलीस्ट पॉजिटिव में लाया है इसको 51 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें, 2020 में नेगेटिव में था 44.24% का, 2021 में पॉजिटिव में 4.92% का। तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा नज़र दीजिएगा तो इस जगह पे 2021 पे हर चीज़ को ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव किया है, जिसका एक अच्छा खासा बुलिश साइन निकल के यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का। तो फिर देखिए यहाँ पर 2021 का मार्च एंड जून का रिजल्ट है। 21 में जो है मार्च में 60 करोड़ के ऊपर यहाँ पर नेट सेल हुआ था एंड जून में जो है 54.8 लाख का कम से कम जो है यहाँ पर नेट सेल देखने को मिला। ये भी करोड़ में फिगर है और जिसका -10.30% निकल के आता है एक नेगेटिव साइन। और बात करें अदर इनकम का, तो अदर इनकम में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मार्च में 2.91 करोड़ का अदर इनकम हुआ था एंड जून में जो है 2.66 करोड़ का अदर इनकम हुआ है, जिसका माइनस में 8.59% निकल के आ रहा है। और बात करें नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट मार्च में 1 करोड़ के ऊपर हुआ था, 1 करोड़ 35 लाख, बट जून में 51 लाख का यहाँ पर जो है आपको नेट प्रॉफिट मिला, जिसका -62.22% निकल के आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो करीब करीब सेम ही है। तो देखिए क्वार्टरली में जो है यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन कंपनी दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर नेट सेल का बात करें तो कंपनी देखिए नेट सेल के मामले में सबसे ज़्यादा जो है मार्च 2021 में दिया था 60 करोड़ के ऊपर। अभी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, 6 करोड़ के आसपास जो है डिक्रीज हुआ है और अभी जो है आपका 54.8 लाख का जो है यहाँ पर आपको इसका नेट सेल देखने को मिल रहा है। अगर बात किया जाए यहाँ पर नेट प्रॉफिट का, तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है डिक्रीज हुआ है। 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ था मार्च में, लेकिन अभी जो है आपका 51 लाख का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। और बात किया जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च में जो है 2.91 करोड़ का हुआ था, लेकिन जून में जो है 2.66 करोड़ का हुआ है। तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है।
अगर बात किया जाए इसका इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट के मामले में कंपनी का इंटरेस्ट कम हुआ है। यहाँ पर एक अच्छा साइन आपको कंपनी दे रहा है, 1.49 करोड़ का जो नेट इंटरेस्ट था कंपनी का, इस इंटरेस्ट को ये 1.23 में लाया है। तो एक अच्छा खासा साइन कंपनी इंटरेस्ट के मामले में दे रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च में जो है 4.83 करोड़ का यहाँ पर फिगर था, लेकिन जून में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 4.92 का यहाँ पर जो है आपको फिगर देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन के साथ ग्रो हुआ है। बात कर लेते हैं वॉल पीरियड का, तो सबसे ज़्यादा 2020 में नेट सेल हुआ है दिसंबर में, ओके, और 2021 में मार्च में हुआ है, ओके। तो देखिए मार्च में यहाँ पर जो है 60 करोड़ के ऊपर नेट सेल हुआ था, और दिसंबर में जो है यहाँ पर 53 करोड़ के ऊपर नेट सेल हुआ था। अगर अदर इनकम का बात करें तो 2020 में सबसे ज़्यादा अदर इनकम हुआ है दिसंबर में, और 2021 में सबसे ज़्यादा अदर इनकम हुआ है मार्च में 2.91 करोड़ का। और बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट 2020 में सबसे ज़्यादा दिसंबर में हुआ था 3 करोड़ के ऊपर, 3.74 लाख, एंड अगर बात करें 21 का तो यहाँ पर मार्च में हुआ 1.35 लाख, ओके। तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट जो है आपको मार्च में ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो दिसंबर में जो है ये यहाँ पर 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, एंड 2021 में यहाँ पर जून में जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत परसेंटेज हाई हुआ है 4.92%। तो यहाँ पर भी कंपनी जो है अपने आप को इंक्रीज करने का कोशिश किया है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बैलेंस शीट का, तो देखिए बैलेंस शीट का अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं रिजर्व का बात करूँगा। जो कंपनी ने रिजर्व को देखिए 2017 के बाद से अपना रिजर्व को जो है बढ़ाने का कोशिश किया है, फिर डाउन हुआ है, फिर यह 2020 में 89 में आया था, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, 94 में लाया है, 94 करोड़, इसको जो है यहाँ पर इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है कंपनी। इसका मतलब कंपनी जो है अपना कामकाज में एक्टिव है, ओके। कर्जा का बात करें तो देखिए कर्जा में यहाँ पर कम हुआ है, 26 था यहाँ पर 2020 में, पर 2021 में 24 करोड़ का कर्जा है, तो कर्जा में थोड़ा बहुत डिक्रीज किया है। टोटल एसेट का बात करें तो 2020 में 188 करोड़ था, लेकिन 2021 में अच्छा खासा एक तेजी 196 करोड़ का टोटल एसेट देखने को मिला है। तो कंपनी जो है कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो का, तो देखिए 2020 में जो है कैश फ्लो -1 में था, नेगेटिव में था, 2021 में इसको पॉजिटिव किया है, फिर यहाँ पर आया है 12 लाख। अगर ये जीरो में भी रहता तो ये 13 लाख होता, इसको पॉजिटिव करने के चक्कर में 1 लाख इसका कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए हर जगह में जो है आपको एक पॉजिटिव साइन ये कंपनी दे रहा है, ओके। तो मैं किस कंपनी का बात कर रहा हूँ फिर, तो मैं बात कर रहा हूँ बिरला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी जो है जितना भी ड्रिल मशीन का बिट वगैरह होता है, अगर शॉर्ट में बताया जाए तो जितना भी ड्रिल मशीन का बिट वगैरह होता है, ठीक है, टूल्स होल्डर वगैरह होता है, सब ये मैन्युफैक्चर करता है। मैं वीडियो आगे बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो कंपनी है, द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड टूल्स एंड प्रिसिशन कंपोनेंट एंड कास्टिंग एंड मैशिंग। तो यहाँ पर जो है इसका जो कामकाज है सब टूल्स के ऊपर है, और ये जो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है इसका काम ऑपरेट होता है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड फेयर स्टेट इंक्लूडिंग चाइना। तो ये जो जगह है इस जगह में इसका कामकाज ऑपरेट होता है। और अब देख लेते हैं इसका कामकाज जो है क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है। तो देख रहे हैं जैसे कि ड्रिल मशीन है आपका, इस ड्रिल मशीन का जितना भी आपका टूल्स होता है इस तरह का, जैसे कि देख पा रहा है हाई क्वालिटी टूल्स, ओके, हाई क्वालिटी टूल, हाई टेम्पर टूल्स जिसको बोलता है, इस तरह का जो है टूल्स आपको देखने को मिलता है। एक कंपनी जो है इस तरह का टूल्स बनाता है, ओके। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में ये ऑपरेट करता है, ठीक है, बात को समझिए, इंडिया के बाहर ही ये काम काज करता है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह का कंपनी में जरूर आपको फोकस करना चाहिए, फ्यूचर में इस तरह का कंपनी आपको इतना अच्छा मुनाफा दे देगा कि आपका सोच का बाहर होता है तब। तो चलिए आप देखते हैं इसका टेक्निकल एनालाइज करके। तो सबसे पहले मैं लाइव इसका शेयर होल्डिंग के बारे में बताऊंगा। प्रमोटर होल्डिंग 59.85%, अगर इसका पब्लिश का बात करें तो 40% का जो है पब्लिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसका पास शेयर होल्डिंग है। कंपनी में कोई प्लेस नहीं है, ये एक अच्छा बात है। जो इसका प्रमोटर होल्डिंग है, तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग मार्च में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, 59.85 का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है मार्च में, यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में जो है डिक्रीज हुआ है, जैसे कि देख पाए नॉर्मल बात है, इधर इंक्रीज होगा तो इधर तो डिक्रीज होगा, एक नॉर्मल सा बात है। तो जैसे ही पब्लिक यहाँ से निकला वैसे ही प्रमोटर यहाँ पर एंट्री ले लिया, ठीक है। तो इसके साथ साथ फाइल्स डील्स जो है इसका बहुत, डील्स का जो है परसेंटेज बहुत कम है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालाइज का।
तो फिर अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं बिरला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड ये जो है सिर्फ बीएससी में ट्रेड होता है, एनएससी में नहीं। अगर इसका आज का प्राइस की बात करें 10.65 रुपीस माइनस में ये अभी चल रहा है -2.56% का एक दिन का जो माइनस है। और यहाँ पर जो है आपका अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम जो है 1000 में देखने को मिल रहा है 71,000 इस तरह का जो है यहाँ पर क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। अगर इसका ओपन प्राइस की बात करें 10.06, प्रीवियस प्राइस की बात करें 10.93 यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर डेली बेसिस पे बात करें तो डेली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस बियर्स देखने को मिल रहा है जिसका आरएसआई है, आरएसआई का लेवल है 28.86 जो है जिसका आरएसआई के लेवल है। अगर वीकली का बात करें तो वीकली में जो है आपको यहाँ पर 42 का ऊपर जो है लेवल देखने को मिल रहा है, 42.62 का जो है यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है वीकली में। लेकिन यहाँ पर जो है आपका टेक्निकल इंडिकेटर जो है न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। अगर मंथली का बात करें तो मंथली में जो है 53 का जो है यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल इंडिकेटर जो है आपका न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का कंपनी जो है आपको न्यूट्रल साइन दे रहा है, लेकिन आपको इसको जो है वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अब इसका मैक्सिमम रिटर्न का बात करते हैं। अगर मैक्सिमम रिटर्न का बात करें तो सबसे हाई जो है कंपनी दिया था 2008 में करीब 110 का आसपास जो है ये आपको रिटर्न दिया था 2010 में, जैसे कि देख पा रहे हैं 2008 में 110 का यहाँ पर रिटर्न दिया था। उसके बाद से जो गिरावट आया उस तरह का रिटर्न इस कंपनी में देखने को नहीं मिला है। अगर 5 डे का बात करें तो 5 डे में -10 का रिटर्न है। अगर वन मंथ का बात करें -22 का रिटर्न है। और 6 मंथ का अगर बात करें तो 21% का जो है रिटर्न दिया है। तो कंपनी जो है 6 मंथ में एक रिटर्न अच्छा खासा दिया है, लेकिन 1 ईयर में 84 का रिटर्न दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 रुपया 5 रुपये का शेयर आज 11 रुपया में आया है। तो एक अच्छा खासा जो है आपको रिटर्न दिया है। सो फ्रेंड, बिरला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी कंपनी का जितना भी डिटेल्स है मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आपको यहाँ पर निवेश करना है तो आप पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर इसमें निवेश करें। और मेरा अगर सलाह लें तो मैं अभी आपको यहाँ पर निवेश करने नहीं बोलूँगा, मैं आपको इसको वॉच लिस्ट में रखने बोलूँगा। ठीक है, आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अभी इसमें निवेश ना करें तो बेटर है। लेकिन आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ इसके बारे में जरूर डिस्कस करें। फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपना फ्रेंड एंड फैमिली को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों का इस तरह का जो शेयर है इसका इंफॉर्मेशन दें। और एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइए। वीडियो का एंड में भी बोलता हूं कि एक छोटा सा लाइक चाहिए और कुछ नहीं, तो एक लाइक करके जरूर जाइए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेस्ट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।